किसान आंदोलन पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की बवाना स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि किसान देश के अन्नदाता हैं, अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस स्टेडियम को दिल्ली पुलिस ने ये मांग की थी कि अगर दिल्ली सरकार परमिशन दे देती है तो इस स्टेडियम को अस्थाई जेल बना दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ये कह दिया है कि किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। ठीकरी बॉर्डर की तरह सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती है। ठीकरी बॉर्डर से अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट देखिए। देखिए सिंघू बॉर्डर के अगर मैं आपको हालात दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और ये आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात है। जाम की स्थिति अब जो है सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर जाम लग गया है। तो जाम की स्थिति यहाँ पर अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा होनी शुरू हो गई है। तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और बैरिकेडिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके के जो सीमेंट की बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर है। वज्र वाहन जो है वो सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन पर आप देखिए पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बकायदा आप देखेंगे सीमेंट के बड़े बड़े जो बैरियर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और बकायदा आप देखिए इसको मजबूत करने के लिए कंक्रीट इसके अंदर भर दिया गया है। आगे आप देखेंगे जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर बकायदा कटीली तारें लगाई गई हैं और उसके आगे आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंटेनर जो है इनको मिट्टी भर के उसके अंदर वहां पर रखा गया है। तो यहाँ आप नीचे सर्विस लेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 11 लेयर की ये पूरी बैरिकेडिंग है। कटीली तारें यहां पर लगाई गई हैं, कंक्रीट जो है वो यहां पर भरा गया है ताकि ट्रैक्टर अगर आते हैं तो उस तरीके से जो ट्रैक्टर है वो इस बैरिकेडिंग को ना तोड़ सके। तो पूरी तैयारी यहां पर दिल्ली पुलिस ने की है। अगर शंभू बॉर्डर से आगे किसान बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो दोनों तरफ आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है वो यहां पर की गई है। ठीक मेरे सामने आप देखेंगे वज्र वाहन है और उसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स की जो जवान है वो मौजूद है। पुलिस यहां पर काफी संख्या में है और सामने की तरफ देखेंगे तो यहां भी पूरे जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। तो दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो किसान है उसके अंदर कुछ जो हुड़दंगी लोग होंगे वो किसी ना किसी तरीके से दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से तैयारी की गई है, लेकिन जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं यहाँ पर अमित आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर अब जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है और फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो लगातार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है।